अर्ज किया है, 7 कंपनीज में प्लेसमेंट पाकर बांध दिया है इन्होंने समा, 7 कंपनीज में प्लेसमेंट पाकर बांध दिया है इन्होंने समा। आज हमारे बीच में हमारे सबसे होनहार स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, सैयद अक्रमान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश और स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर 1 प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म नॉलेज गेट में। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टैलेंटेड और मेहनती स्टूडेंट सैयद अक्रमान इरशाद जी प्रेजेंट है। स्वागत है सैयद जी आपका। इन्होंने नॉलेज गेट के ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कोर्स TCS सुपरसेट कोर्स में एनरोल किया था, साथ में कुछ टेस्ट सीरीज इन्फोसिस एंड TCS की टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था, एंड एक कोर्स के बदौलत आप देखिए 7 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ है। तो वी नॉलेज गेट की तरफ से हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। एक बार जल्दी फटाफट मैं बता देता हूँ। देखिए सैयद जी को लाइफ में एक स्टेज ऑफ टाइम पे कंफ्यूजन था कि सर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चूज करना है या सर्विस बेस्ड कंपनी चूज करना है या स्टार्टअप चूज करना है। सैयद जी ने बोला हटाओ ये टेंशन यार, हम तो सारी कंपनीज में प्लेस्ड हो जाते हैं। तो इन्होंने सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप, टोटल मिलाकर के 7 कंपनीज फोड़ी है। TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विनोवे, कोडिटास, मेरिटेक एंड विलियम 3। लाइक मेरे को लिख कर आना पड़ा बिकॉज मुझे याद ही नहीं हो रही थी ऐसी 7 कंपनी से। सैयद जी वी आर प्राउड ऑफ यू। इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सैयद जी की पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे, इंजीनियरिंग में क्या क्या पाप की उन्होंने, क्या क्या गलतियां की वो भी हम जानेंगे, उसके साथ साथ किस तरीके से उन्होंने अपनी प्लेसमेंट जर्नी को कैरी आउट किया वो भी हम जानेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस इंटरव्यू तक आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं वो सभी के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। सैयद जी दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, क्या डिग्री आपने परस्यू की, किस कॉलेज से थे एंड एवरीथिंग। United College of Engineering Research. Basically, the specialization is Information Technology, IT. So basically, sir, मेरा main aim था कि IT companies में job करना, but the problem was like, I was more focused on cracking the coding around. But जैसे ही 4th year तक आया तब पता चला coding से पहले तो तुम्हें quants करना होगा, और वो मेरी बहुत ज़्यादा weak थी. Quants और reasoning मैंने शुरुआत की सबसे बड़ी mistake ये थी कि मैंने 3rd year तक मैंने quants लगाई, मैंने कहा मैं YouTube बनूँ, मैं तो IT का बंदा हूँ. तो बेसिकली जब टीचरों ने बताया कि भाई अगर तूने कोडिंग नहीं, तूने कोर्स नहीं सॉल्व किया, नहीं निकलने वाला। अब सर बेसिकली 3rd ईयर से सेकेंड ईयर में नॉलेज ये देखता था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने संचित जैन सर से भी आधी बीटेक उन्हीं से करवाई अपनी। तो उनके आपका एक ऐड आया एक बार, आपने प्लेलिस्ट डाली हुई थी टाइम एंड वर्क की, मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, लिटरली जीरो था मैं। मैंने देखा सर मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने एक बार में बैठे बैठे 10 वीडियो खत्म कर दी। अब मैंने कहा आप क्या करूँ, फिर रेशो की वीडियो देखी आपने, कई 3-4 प्लेलिस्ट डाली गई थी, मैं उसमें एक्साइट हो गया। फिर मैंने आपको मैसेज भी किया एक लंबा चौड़ा, सर प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज कोर्स दे दो, मैं कर दूंगा। तो फिर टाइम हुआ सर, आपको हो सकता है कि 2 फरवरी में मैंने आपको मैसेज किया, उसके 2-3 महीने बाद आपने कोर्सेस रोल आउट करना शुरू किए थे। तो मेरी एक दोस्त मौरी में भी कोर्स देखती थी, उसने आपका सबसे पहला कोर्स किया था TCS का, वो 23 डेज का था शायद, उसने मुझे कहा कि सैयद तू ये कर ले तू बच जाएगा, और उसने मुझे 1 महीने बाद बताया। तो मैंने आपका 3rd ज्वाइन किया था TCS NQT मास्टर क्लास सर, और सर मैं बता रहा हूँ इतना अच्छा कोर्स था वो कि जैसे आपने कोई टॉपिक समझाई जैसे 2 घंटे की वीडियो बनाई आपने, एक तो मीम होते तो उसमें अलग ही मजा आ जाता था, हम लोग को करते थे। और बेसिकली ये रहता था कि सर आप कॉम्पिटिशन करवाते थे आपस में, वो चीज़ इतनी अच्छी थी कि आदमी अगर दिमाग ना चलाना चाहे तो वो फोर्स हो जाता था कि नहीं यार सामने वाले बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो मैं तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले तो कुछ भी करके आंसर लाता था, और फिर मैं आपकी वीडियो को 3-4 बार देखता रहता था, जैसे एक बार खत्म हुई रिवीजन करता रहता था, बिकॉज सर रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट, आपको आता है ठीक है, लेकिन आप उतनी बार देखो कि नेचुरल हो जाए वो क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन। सर मैंने आपकी वो स्टार्ट की, सर बेसिकली फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। सर मैं बेसिकली बताऊँ, मैंने इन्फोसिस TCS विनो जितने भी रिटर्न अकाउंट निकाले, मैंने कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया आज तक। सर ऐसा था कि आपकी जो ट्रिक्स थी मैंने सबको नोट डाउन किया, इतनी बार रटा था एक तरह से, यही घोट के पीलो। आप बोलते थे कि अगर तुझे जॉब चाहिए तुझे मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, तू अपने पहलेगा नहीं निकलेगा, तो गुरु को मानना पड़ता है कि नहीं जो गुरु बताए वही करो, उससे ज्यादा क्या करना, मुझे बस पढ़ना था जो पढ़ाते थे आप, सब मेरा वो निकल गया। फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि सर मेरा इन्फोसिस का रिटर्न निकल गया, आपने कहा कि तू कुछ ना कर, तू मेरी इंटरव्यू की
प्लेलिस्ट आपने भेजी थी सर, मैंने वो भी भेजी थी, मैंने आपको कल बताया नहीं था। तो उसमें सर आपने कितनी अच्छी चीज बताई थी, शुरुआत में मेरा रेडीनेस है तो मुझे डेटा बेस भी आता, मुझे ये भी आता, मुझे मैंने 10 चीज लिखी हुई थी। तो आपने वीडियो में बताया था कि आपका एक दोस्त था, उसने भी यही गलती की थी, उसको इंटरव्यू समझा कि गेट की तैयारी कर रहा है तो उसको निकाल दिया गया था। सर मैं बताऊँ, मेरे रिज्यूमे में दो चीज का है, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आती है या डेटा बेस आता है, कोडिंग सी पाइथन। मैंने बस इतना ही सिंपल रिज्यूमे रखा, ना मैंने कुछ बताया ना कुछ किया। इंटरव्यू आता था, रिज्यूमे देखता था, क्वेश्चन डीबी में से पूछता था, संचित जैसा की बता रहा सी आपने पढ़ाई हुई थी, जो आप क्वेश्चन कराते थे जो होता नहीं है सूडो कोड वाले, तो बेसिकली सर क्वेश्चन वही से रिवॉल्व हुआ। मैंने रिज्यूमे जितना छोटा जितना एक्यूरेट रखा और जो मुझे जितना कॉन्फिडेंस था मैंने उतना ही बोला कि इंटरव्यू में कैसे बात करनी, कितना जवाब देना है, इंट्रो में क्या बताना है आपको, सब वो सब वीडियो की वजह से। फिर जैसे मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू निकाला, बहुत कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया आप खुश हो गए। TCS पे विनोद के बाद सर मुझे पढ़ना भी नहीं पड़ता था, एक फ्लो आ जाता है ना कि कॉन्फिडेंस कि आप देख लेंगे इंटरव्यू में ये क्या करना है। तो बेसिकली सर जितना भी वैल्यू वैली भी अच्छी कंपनी है उनका इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है, कि सबको नहीं लेते वो, बहुत कम उनका सिलेक्शन इशू होता है। और जब मैं मुझे याद है कि जब मैं बैठा भी था वाइली में, आप वीडियो वीडियो देखे मोटिवेटर तो रहता ही था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं आता था, मैंने नहीं आता मैं क्या करूँ, कोई और क्वेश्चन दे दो, उन्होंने पूछा इम्प्रेस हो गए वो लोग। यही होता है यार सैयद जी, मतलब एक कंपनी की आपको तरीके से तैयारी करनी है, फिर बाकी तो बिना तैयारी की एकदम रैंडम जाओ और मस्त मजा आ जाता है यार। यहाँ पर देखो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, सी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स लेना है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भाई आपको रिजल्ट भी तो कितना बढ़िया मिल रहा है यार। सर 999 में ऐसा कौन सा वो है सबसे अफोर्डेबल और सबसे एक्यूरेट कोर्स आपका? मैंने बताया ना सबसे अफोर्डेबल था, मैं ऐसे नहीं लेता था क्योंकि कौन 5,000 से 6,000। मैंने आपका कोर्स देखा, मैंने कहा यार 1,000 में काम हो रहा है और इतना अच्छा हो रहा है, मतलब ये पॉसिबल नहीं इंडिया में। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एग्जाम आता नहीं, एक कोर्स एक दिन के अंदर निकल आता लोगों का 5,000 का, उन्होंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया, रैंडमली इसका डाल देते हैं। आपका क्या होता है, जैसे मेरी दोस्त ने आपसे पूछा अभी तक एक महीना पहले इन्फोसिस का होता, आपने उसको डाटा कि पढ़ाई कर मैं निकालूंगा पेपर, आपने इन्फोसिस के 13 या 12 दिन पहले निकाला वो टेस्ट सीरीज, और सर 85% मैचिंग था, और 15% तो नहीं मैच करेगी ना सर, वो तो अलग चीजें आएंगी, लेकिन ऑलमोस्ट सारा पैटर्न सेम था। तो अब और क्या बोल, हर चीज तो मैच करती है, आपके टीचर के पेपर मैच किए, विनोव रिपीटेड आया, वाइली रिपीटेड आया, कॉग्निजेंट रिपीटेड आया अगेन। हाँ ये तो है यार, देखिए हम बहुत स्लोली काम कर रहे हैं, मतलब लाइक पिछले 1 साल में हम केवल 6 या 7 कंपनीज की टेस्ट सीरीज निकाले हैं, बट ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं यार, मतलब एक एक क्वेश्चन जो कंपनी में पूछा है वही है, इसलिए 85% क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग। मतलब तो जरूर एक बार सबको चेकआउट करना चाहिए। सैयद जी आपने की बहुत अच्छी बात बोली, मैं सबको बोलता हूँ यार अगर आप मेंटोर चूज कर रहे हो ना, एक चूज करो, 10 नहीं चूज करो, एक मेंटोर चूज करो और फिर रिगरसली उसको फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लासेस में मीम्स का यूज हम इसलिए करते हैं यार बिकॉज बच्चों को ना मजा आता है एक तो पढ़ने में, दूसरा कई बार ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप हो सकता है क्वेश्चन भूल जाओ, कॉन्सेप्ट भूल जाओ, लेकिन स्टूडेंट ने फीडबैक दे के सर मुझे मीम याद आ गई थी उसके करस्पॉन्डिंग के, सर ने यार ये टोनी कक्कर की मीम यूज की थी यार, तो मेरे को पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया, और मोटिवेशन रहता है हर वीडियो में यार, तो ये बहुत जरूरी है लाइक मोटिवेटेड रहना, तो यार इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसलिए हर वीडियो के स्टार्टिंग की 10 मिनट में मैं मोटिवेशन इंक्लूड कर दिया। मैंने कहा आपको कहीं यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन के लिए, नहीं तो क्या होता है हम यूट्यूब पे गए नीचे बीवी की वाइंस आती हैं बस, फिर तो 2 घंटे निपट गए अपने। सही जी, अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइक यार इतनी सारी डिग्रीज होती हैं 12th के बाद, ठीक है उसमें आपने इंजीनियरिंग ही क्यों चूज की पहली चीज, दूसरी इंजीनियरिंग में इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं, आपने आईटी सेक्टर ही क्यों चूज किया, आईटी सेक्टर में भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, व्हाई यू चूज प्लेसमेंट बेसिकली? सर बेसिकली वो मेरे बड़े भाई लोग भी हैं एंड दे वर फ्रॉम कॉमर्स साइड एंड वो लोग दुबई में कोई मस्कत में कोई इंग्लैंड में, तो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि यार देखो वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा ही 10-10 साल बने हैं, उन्होंने कहा कि अब ये टाइम डिजिटलाइजेशन का है, पहले मैकेनिकलाइजेशन था, पहले मैकेनिकल तो बहुत बड़ा इशू हो रहा था, कहा था या तो तुम डॉक्टर करो या तो बीटेक करो, मेरी बायो बहुत खराब थी, मेरी मैथ अच्छी थी, तो घर वालों ने कहा देखो बीटेक करो लेकिन अब आगे सोच के करना है क्या चीज पे हम डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। तो सर आप देखिए ना जितने भी आप टॉप रिच लोगों के नाम गए जो इन्वेंशन स्टार्टअप निकल रहे हैं बेसिकली IIT पे निकल रहे हैं, आप कोरोना के टाइम पे देखिए सबसे ज्यादा लोगों ने प्रॉफिट दिया, क्यों दिया, स्टार्टअप तो एक थिंकिंग थी कि पैसा कभी काम आएगा, सबसे ज्यादा हम लोग बाद में जूम ही पे कर रहे हैं, ये चीज पॉसिबल नहीं थी बिना IIT के। सब ऐसा टाइम आ रहा है कि जब नोटबंदी हुई 2016 में डिजिटलाइजेशन,
आपका पेटीएम, जो आपके हम लोग के ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन के एप्स हैं, वो कितना ज्यादा ग्रोथ कर गए। तो मेरे घर वालों ने सर बहुत सजेस्ट किया, मेरे भाई लोग थे, उन्होंने कहा कि आईटी करना, सीएसआईटी मतलब कोई भी एक ले लेना, और तुम बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ज्यादा अपना ध्यान देना, क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटलाइजेशन क्या है, जैसे इंटरनेट एक बूम था अपने टाइम का, जो इंटरनेट पे कूद गया 1990s में, वो आज सक्सेसफुल है। आप टॉप टॉप दुनिया के टॉप अमीर लोगों को देख लीजिए, जैसे इलॉन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, बिल गेट्स हो गए, दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आईटी। तो बेसिकली, और सर प्लेसमेंट का ये था कि सर मैंने जितना सर मैं जैसे मैं कजन सदन से, वो सर अभी 30 ईयर्स या 32 ईयर्स, उन्होंने कहा अगर तुम छोटे से भी स्टार्ट करो आईटी में, एक्सपीरियंस विल हेल्प यू ऑलवेज। तुम एक कोडिंग तुमने टाइम दिया, जैसे मान लो वो फ्री कोडिंग खत्म है, उसका टाइम दिया, लेकिन जब तुम सी से जावा में भी शिफ्ट कर दो, लॉजिक थोड़ी चलेगी तुम्हारी, तुम्हारा वो एसेस, तुम वेटरन टाइप के होगे ना कि हाँ सीजन जम ये प्रॉब्लम इसमें, तो वो प्रॉब्लम उसमें भी सॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली सर आईटी में ऐसा है ना, आप जितना अपने आप को स्ट्रगल, जितना ग्रोथ, जितना सीखोगे, क्लाउड है, ये है सर, AI आ गया, ML, DL सब है, आप जिस पे इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही एक्सपोजर मिलेगा, उतनी सक्सेस मिलेगी। तो बेसिकली सर मैं लालची हुई, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, और ऐसी चीज जो पॉसिबल है। अब मैं ये थोड़ी कहूँ मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, लेकिन अगर ये कंपनी में लग के मैं होता नहीं हायरार्की पे पार कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आईटी करूंगा। यस रॉन्ग। यहाँ पर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूँ। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ना, कई बच्चा बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं हमेशा बोलता हूँ यार इंटरेस्ट के हिसाब से चलो, मना नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट से ज्यादा ना आपको करियर ग्रोथ पे फोकस करना है। लेट सपोज मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल का है, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से 4 साल मैकेनिकल में अच्छा पढ़ूंगा, बट आगे आने वाले 40 साल मैकेनिकल में स्कोप नहीं है तो मैं उस इंटरेस्ट का क्या करूंगा। वहीं आईटी में शायद मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग के 4 साल मुझे स्ट्रगल हो सकता है, बट एक बार जॉब मिल जाएगी, कंपनी में माहौल मिलेगा, काम करूंगा, सीखूंगा और आगे आने वाले 40 साल बहुत अच्छे हो जाएंगे। सभी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ भाई इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चलना, अपने को फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से चलना है, स्कोप के हिसाब से। उसके बाद दूसरी बात क्या है भाई, आईटी सेक्टर ग्रो है। देखो सबसे अच्छी बात आईटी सेक्टर की पता क्या है ना, लोग सोचते हैं अरे यार ये 3.5-4 लाख के पैकेज में क्या होगा, मेरा TCS इंफोसिस में क्या होगा मेरा, अरे भाई आपको जिंदगी भर नहीं रहना, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ करियर, 2 साल 3 साल रहो। मेरे सारे कजिन सीनियर आज सबके सब 15-20 लाख जो गधे भी थे ना, वो 15-20 लाख के पैकेज पे बैठे हुए हैं यार, राइट। तो बहुत पैसा है, बहुत फ्यूचर स्कोप है। सबसे अच्छी बात क्या भाई, IIT कॉलेजेस लिमिटेड है, IIM कॉलेजेस लिमिटेड है, लेकिन IT कंपनीज इंडिया में अनलिमिटेड है यार, एक जगह नहीं होगा दूसरी जगह, दूसरे नहीं तो तीसरी जगह यार, तो हमको ऐसा बिल्कुल ही ऑप्शन चूज करना चाहिए। अच्छा अक्रमा जी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, ये सब बच्चों को रहता है यार, मतलब इंजीनियरिंग में हमको चुल्ल रहती है कि यार हमको ये टेक्नोलॉजी भी सीखना है, ये वर्कशॉप करनी है, ये सर्टिफिकेट कॉलेज का, ये इवेंट करना है, ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चा भटक जाता है और थर्ड ईयर के एंड में देखता है कि यार मैंने 3 साल किया क्या, और जो किया वो प्लेसमेंट में तो कहीं यूज ही नहीं होना। तो आपके भी प्लेसमेंट के टाइम बहुत डिविएशंस हुए होंगे, बहुत सारी चीजें आपने ट्राई आउट की होंगी, बट हाउ डिड यू अल्टीमेटली चूज अ राइट पाथ, यार ये प्लेसमेंट का पाथ है और इसी को फॉलो करते हुए मुझे आगे बढ़ना। तो बेसिकली जैसा जब मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, जब हवा हो रही थी इन्फोसिस आएगी 2 साल बाद, तो हमको लगा कि मैं मशीन लर्निंग सीख लेता हूँ, क्रश हो जाएगा इंटरव्यू, मैं डीप लर्निंग सीख, मैं क्लाउड सीख लेता हूँ। तो बेसिकली मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जब इंटरव्यू आता है ना, पहले तो आपको कोर्स आनी चाहिए, वो नहीं है तो आप भूल जाओ, बैठो ही ना तुम, अकाउंट निकल गए। जब इंटरव्यू वो पूछता है कि तुमने जितने साल के, मुझे नहीं पता तुम्हें सी आती है बेसिक, आईटी के हो ना, तुम्हें ये चीज आती है कि नहीं, जैसे इंग्लिश, अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है उसको ABCD आती है कि नहीं, तुम्हें डेटाबेस आता है कि नहीं, यार तुम AI बना लो, मुझे मतलब नहीं है, तुम लिख पा रहे हो कुछ बेसिक फाउंडेशन आपकी। देखिए ये नहीं कहते कि आपको पूरा मास्टर ऑफ ऑल होना चाहिए, लेकिन 2 या 3 आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे, जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर अगर अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मतलब कर ले जाते हो, आपको कोडिंग नहीं आती तब भी अगर आप अपना सोलो कोड अच्छे से समझ लो, सर आपका हो जाएगा, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से आता है, DBA की एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल सकती है आपको, कोडिंग आती तो अच्छा ही है। सर हम लोग को ये लगता है कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हर चीज एक बार में सब पी ले तो हम लोग का सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं है। मेरे कई दोस्त थे जो बहुत अच्छे थे, जिनको क्लाउड आता था, जो ML में प्रोजेक्ट बनाए जाने नहीं हुआ सर, उनसे बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं हुई, वो बोल दिए 2 स्टैक से तुम क्यूब बना दो, नहीं बना पे नहीं ली उन्होंने हमें। सर बेसिकली हम आए क्यों, हम कोडिंग सीखने आए थे आईटी में, बेसिक तो यही था। अगर यही मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ क्यों अपने लाइफ में, उनसे मतलब नहीं है। अब मैंने 10 जगह का कोर्स लिया था, मान लीजिए मैंने 5 जगह इंटर्नशिप की, मैं इंटर्नशिप का एक एक्सपीरियंस ना बता पाऊँ कि मैंने क्या किया था वहाँ पे, मैं अगर अपने आपको रिफ्लेक्ट ना करता हूँ अपने स्किल को, तो वो स्किल वेस्ट है सर पूरी। मैं अलग अलग कोर्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने आप ही का कोर्स लिया था जो एक पेड कोर्स है आज तक का लाइफ का, मैंने और कुछ नहीं किया, मैं बेसिक चीजें जानता हूँ सर, जैसे पाइथन जानता हूँ या सी जानता हूँ या DBMS,
उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे क्लाउड भी सही से नहीं आता। मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ क्योंकि सोचिए प्रोजेक्ट था तो उस पर करना पड़ा। आप क्या देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज ही नहीं है, आपको सीख होना चाहिए ना, लॉजिकल लॉजिकल रहो बस हो जाएगा सिलेक्शन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर रोड मैप क्या है प्लेसमेंट का, मैं बोलता हूँ भाई कंपनी ने बना के दिया यार, सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करेगी, फिर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चेक करेगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यार तीन तीन पेज के रेज्यूम बना के छः छः लाइव मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पढ़ के बैठे हुए हैं और आज अनप्लेस्ड बैठे हुए। भाई मेरे इंटरव्यू में मशीन लर्निंग की तू स्किल्स दिखाएगा पर इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता आपने बनाया कि नहीं वो तो देख लो एक बार। हम क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में आईओटी की वर्कशॉप तो ये तो वो करते हैं, सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते हैं, भाई ये सब चीजें करते हैं, एप्टीट्यूड बिल्कुल लास्ट में आके करते हैं, जबकि कंपनी में सबसे पहले वही पूछा जाना। और बिल्कुल सही बात आपने बोली भाई, आप उसको ये भी बता दोगे ना कि मुझे ये क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, वो पहले बोलेगा भाई सी आती है कि नहीं, तू तो ये बता, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आती है ना आगे सिखा तो हम देंगे आपको, हम ट्रेनिंग देंगे आपको, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, हमको आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी से बेसिकली कोई मतलब है नहीं, राइट? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा एक चीज और सही है जी, लाइक यार हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग समय समय पे हमारे मन में डाउट्स एंड डर आते हैं, राइट? जब आप एग्जाम भी दे रहे होंगे तो अंदर डर होगा, इवन इंजीनियरिंग की जर्नी में भी बहुत जगह हमारे मन में डाउट्स आते हैं, डर आते हैं यार कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोर्स में भी एनरोल किया होगा तो कई बार डाउट एंड डर रहता है सही जा रहे कि नहीं, एग्जाम के पहले भी, तो उस डर को कोप अप करने के लिए आप क्या करते थे? मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट था, अभी भी हूँ, कुछ ऐसा थोड़ी कुछ हो गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि सर अगर आपने मेहनत की किसी चीज पे, जैसे आपने 10 घंटे दिए तो मैं ये कह सकता हूँ 4 घंटे आपके वेस्ट नहीं हो रहा, मैं ये नहीं कहता आप 10 घंटे की पावर डिटेन करोगे, अगर आप एग्जाम है उससे पहले आपने दम लगा के मेहनत की, प्रैक्टिस की, 100 क्वेश्चन की 150 हो गए, अरे 20 क्वेश्चन में तो कॉन्फिडेंस आ गया ना सर। एग्जाम का डर सर सबको रहता है, लेकिन अगर आप जैसे आपने बोला था मुस्लिम आपने मतलब सारे बच्चों से बोला था कि तू मुझ पर भरोसा कर मैं करा दूंगा, तो फिर सर मैंने कुछ अलग से नहीं किया, जो आप बोलते थे मैं बस उस पर मेहनत लेकिन करता था, जैसे आपने कहा 5 बार करो, मैं वो 10 बार कर देता था, मैं भाई जैसा सर क्यों रिस्क लूँ, मैं 10 बार 15 बार वही क्वेश्चन लगा दिया, तो सर ये होता है ना कि जैसे डर भी लग रहा है, लेकिन आपने क्वेश्चन देखा कभी ये तो मैंने अभी 5 मिनट पहले ही दिया था, लोग इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन पूछा अजीब सा, अरे ये तो मैंने उस दिन पढ़ा था, इसकी केस स्टडी पूरी पड़ी थी, इसका आंसर तो ऐसे आएगा, तो अगर आप अपनी तरफ से बिल्कुल कॉन्फिडेंस है सर तो डर हो ना हो मैटर ही नहीं करता, वो देखिए नर्वसनेस तो मुझे अभी बात कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है क्या बोलना है, मुझे आइडिया है, मैंने ये सब चीजें फील की है, तो बहुत ईजी है, देखिए नेचुरली निकल रहा है, कुछ ऐसा सर स्क्रिप्ट नहीं था पढ़ा मुझे, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा भाई, कॉन्फिडेंस किसी दुकान पे नहीं मिलता है ना, ना कॉन्फिडेंस आप लाने की कोशिश करोगे आ जाएगा ऐसा नहीं होता, आपकी मेहनत का बाय प्रोडक्ट होता है कॉन्फिडेंस, आप मेहनत कर रहे होगे कॉन्फिडेंस अपने आप पीछे पीछे आएगा आपके, राइट? और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, या तो डर होगा या एक्शन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। डर हमको कब लगता है, जब हम बैठे बैठे सोच रहे, अरे भाई बैठ के क्यों सोच रहे, काम करना, राइट? और जिस दिन आप काम करते हो खूब थके हुए रहते हो रात में सो जाते हो, कोई डर नहीं रहता वहां पर, आप समझ रहे हो इस चीज को, तो यार मेहनत करो डर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, मोटिवेशन है ही हमारी हर क्लास के पहले, आपको पता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे भी पता है यार, बच्चा 50% रोल उसकी प्रिपरेशन का होता है तो 50% एग्जाम परफॉर्मेंस का होता है, इसलिए मैं हर एग्जाम के पहले आपको पता होगा कोर्स में भी मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशनल लाइव क्लास लेकर आता था ताकि यार मेरा बच्चा प्रिपेयर करने के बाद डर के ना जाए, उसके अंदर ये भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है, दिलाना जरूरी है कि तू कर सकता है, राइट? यही एक मेंटोर का रोल होना चाहिए। अक्रमा जी इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेसमेंट का, लाइक अगर आप फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाए तो फिर भी इतना दुख नहीं होता, लेकिन फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट हो जाते तो भाई छाती जल जाती है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको। तो यार आप थोड़ा सा इंटरव्यू टिप्स हमारे यू नो व्यूअर्स को दे सकते हैं, लाइक आप 7 इंटरव्यूज क्लियर किए उनके लिए इंस्पिरेशन है थोड़ा सा आपके एंड से। हाँ सर बेसिकली सर इंटरव्यू में यही करता था कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि इंट्रोडक्शन ही में मैं अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट डालू, आई लव कोडिंग इन पाइथन इन हैकर लैंग, उसके दिमाग में आ गया कि हाँ ये पाइथन जानता है, फिर मैं कहता हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट DBMS था थर्ड ईयर का, तो सर बेसिकली जब वो क्वेश्चन में पूछता है ना वो ऑलरेडी एक तरह से मैंने उसको घुमा दिया होता है क्या वो मुझसे DBMS या पाइथन पूछेगा, जैसे कि एक इंटरव्यू में हुआ था उसने मुझसे जावा पूछा, मैंने कहा मैम आई ऑलरेडी मेंशन इन माय वो इंट्रोडक्शन दैट आई एम गुड इन जेन पाइथन, गिव मी द क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इन पाइथन आई विल डू इट जस्ट नॉट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज बिकॉज लॉजिक इन माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट,
थोड़ी देर उसमें कि ठीक है तेरा हो गया इंटरव्यू, उससे पूछा ही नहीं उससे जावा, जबकि वो था कि मैंडेटरी था जावा क्वेश्चन पूछना। तो ये रहता है कि जैसे आपके जो दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट होंगे, आप कहें कि इंट्रोडक्शन, मैं आप प्रोजेक्ट ना बताइए सर, मैंने देखा है कि प्रोजेक्ट में वो थोड़ा बहुत सुनते हैं, वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, वो फिर उनको स्पेसिफिक होता है ना कि 5 क्वेश्चन मुझे कोडिंग के पूछने हैं, तो आप पहले से बता दो, तो यार मेरी पाइथन अच्छी है, क्या आई एम गुड इन पाइथन, आई डू हैकर कोडिंग, एंड माय फेवरेट सब्जेक्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज द वे आई कोड इट रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हिच इज वेरी गुड। तब वो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है तो आप कर ले जाओगे। तो ये रहता है कि शुरुआती का जो खेल होता है 5 मिनट में उसको छाप दो कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, अब तुम इससे पूछो मुझसे, बोलेगा इंट्रोडक्शन से। कुछ लोग का होता है कि सिर्फ एचआर हो गया, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो एक या दो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस के नींद से कोई क्वेश्चन उठा के पूछे आप बता लीजिए हाँ इसका आंसर ये, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मैंने बहुत ही रेयरली देखा कि सर आप ही ML अच्छी है तो आपसे कोई किसी और टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाए, मुझसे आज तक क्लाउड का नहीं पूछा गया ना, मैंने कभी बताया मुझसे आज तक मशीन लर्निंग के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, कुछ लोग से पूछे वो नहीं आता, लेकिन सर मुझसे हमेशा DBMS पूछा गया, हमेशा डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया, आज तक एक क्वेश्चन बाहर नहीं आता। तो सर ये हम भी इंट्रोडक्शन ऐसा बनाएंगे आपके आपके ही क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उस पर आपको भी पता है, हमने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स में पूरा 1.5 घंटा सर। डिस्कशन किया है सिर्फ इस चीज पे कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। इसको बोलते हैं लीडिंग द इंटरव्यू वाला कॉन्सेप्ट। यार बेसिकली आपकी बीटेक में 40 सब्जेक्ट है, आपको 40 नहीं पढ़ना, मैं बोलता हूँ 37 सब्जेक्ट का आपको नॉलेज जीरो भी है ना तो भी आप आराम से प्लेस्ड हो सकते हो। आपको 3 सब्जेक्ट अपने गिनती के चूज करने हैं, या 2 भी चूज करोगे बट उसमें मास्टरी कर लो। यार मुझसे नॉर्मलाइजेशन पूछा था, मैंने 15 मिनट में उसको बताया नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसकी फटके 4 हो गई कि यार आगे अब इससे क्या पूछूं, राइट। तो मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट मेंशन किया था कि मुझे DBMS आता है, आप उससे कुछ भी पूछ लोगे मैं बता दूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बता पाऊँ। देखो आज 9 कंपनीज में हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें आती है उसको लेकर के कॉन्फिडेंस रहना और उसकी ट्रू नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। अच्छा अक्रमा जी, एक चीज ये होती है कि यार अभी तक जितने भी व्यूवर्स ने आपकी जर्नी देखी होगी ना, अरे भाई परफेक्ट बीइंग मिल गया, अक्रमा जी अब हमारे नए गुरु हैं, इनको हमको फॉलो करना है भाई। लेकिन डीप डाउन आपको भी पता है अंदर से कि यार कुछ गलतियां आपने भी की हैं, कुछ कांड आपने भी किए हैं, कुछ पाप आपने भी किए हैं। और एक हमारे बीच में ये रहता है हमारे साथ कि यार एक बार मेरे को सारे जूनियर्सों की सभा इकट्ठी करूं और मैं एक बार एक्सप्रेस आउट कर दूं भाई कि देखो ये चीजें मत करना, बाकी सब तो मैनेजेबल है। तो थोड़ा सा अगर आप कंफर्टेबल हैं कि आप भाई अपने साइड से जो एडवाइस देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, कि भाई ये गलतियां मत करना, बाकी सब तो मैनेजेबल है। सबसे बड़ी गलती थी, मैंने जैसे मैं इंटरव्यू की शुरुआत से बोलता हूँ, मैंने फॉन्ट फेल नोट किया, अगर तुम फर्स्ट ईयर में सेकेंड में खड़ी हो, हाथ जोड़ रहा हूँ, फॉन्ट करना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि जो मेन लड़ाई है सर 90% की लड़ाई होती है ना, वो पहले दिन की होती है कि तुम सेक्शन ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि मैंने फॉन्ट की कभी इज्जत ही नहीं दी, मैंने कहा मैं क्योंकि मैं आई टी में वो होता है कि मैं कोडिंग करूंगा, और सर कोडिंग में भी गलती थी, मैं 5 लैंग्वेज सीख रहा हूँ, कभी रस पे, कभी पाइथन पे, कभी जावा, कभी सी, कभी सी प्लस प्लस, आपको एक या दो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके सिवा नहीं देखना, चाहे जितनी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज हो, बेसिक अगर आपको बहुत मन है तो एक टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड या ML का बेसिक आना चाहिए, और सब्जेक्ट सर ये है कि हाँ बीटेक कर रहे हो तो अच्छे मेंटर से जैसे DBMS पढ़ो, खाली रटने के लिए ना पढ़ो, क्योंकि तुमने सेकेंड ईयर में अगर अपनी DBMS मजबूत की, थर्ड ईयर में काम आएगी, फोर्थ ईयर में सबसे ज्यादा काम आएगी, हर इंटरव्यू में DBMS पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, 2-3 सब्जेक्ट ऐसे जो आप पता है कि इंटरव्यू में पूछा था, उनको हाथ जोड़ के कहने बिल्कुल भर के मेहनत करो। और सभी मिस्टेक ये थी कि हाँ कॉर्स, बस सबसे बड़ी मिस्टेक यही है सर बीटेक की, मैंने बीटेक कर लिया लेकिन एक चीज यही कि मैंने अपनी कोर्स उतनी मजबूत नहीं की जितनी होनी चाहिए थी, आपकी कोर्स की वजह से तो बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हो गया, समझ लीजिए खाली क्लास को 90% भर दिया गया, लेकिन अपने आप को खाली ना रखो, शुरुआत से भरते रहो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, कोर्स कर लो, इतना अच्छा मिल रहा है, आपको फीडबैक मिल रहा है इतने अफोर्डेबल प्राइस में, अगर कोई फर्स्ट ईयर से, मैं कह रहा हूँ सर अगर आपको कोर्स करके फोर्थ ईयर तक आए कोई नहीं निकाल सकता, उसको गारंटी है, कोई थर्ड ईयर में कोई फोर्थ मेरे तो आ जाए, एक कोर्स ले ले ढंग से कर ले, लेकिन जो आप बोले जैसा होता नहीं है सर, अपना सब कुछ आपके हाथ में देते हैं सर, मैं बस मैं आपकी बॉडी में दौड़ाओ, बस इतना ही करना है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात हर हर बच्चे से बोलता हूँ कि यार एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 3 डाइट होती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। लेकिन एक इंजीनियर की जिसको प्लेसमेंट चाहिए ना, उसकी 4 डाइट होनी चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड एप्टीट्यूड। भाई डेली आपको आधे घंटे वो डाइट कंज्यूम करनी है तो करनी है, वो आपको देखना आप कैसे करोगे, राइट। और
बहुत बहुत जरूरी है यार, उस चीज को लाइटली इसलिए भी नहीं ले सकते कि कल के दिन आपका प्लेसमेंट नहीं भी हुआ ना, अलावा मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है, मैं कैट दे दूंगा, मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देके कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा, बिकॉज एप्टीट्यूड इज समथिंग जो हर जगह आता है, राइट। अच्छा अकर्मा जी एक चीज और यार, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सब डिमोटिवेट होते हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में, राइट। तो और इंजीनियरिंग में तो सर। ये फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या कर रहा है जीवन में, फैकल्टीज की तरफ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, स्पेशली कोविड टाइम में तो अभी हम दोस्तों से भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करते थे? जब मैंने आपका कोर्स स्टार्ट किया तो मैं डिमोटिवेटेड बहुत मोटिवेटेड नहीं था। जैसे आप 10 मिनट जब मजाक करते थे या समझाते थे कि मेहनत करो मोटिवेशन तभी आएगा, आपको जब खुद रिफ्लेक्ट आप शीशे सामने खड़े हो आप लोग, हाँ मैं कल से अच्छा हूँ, मैंने मेहनत की, 1% बढ़ा लेकिन मैं परसेंटेज बढ़ा, आपने बोला तो 365 में अगर 1% भी बढ़ो तो 36% आप इंक्रीज कर जाओगे। तो सर ये कि आपको मोटिवेट एक तो मेंटर आपको रहना चाहिए कि आपको उसको बिल्कुल मानना है कि हाँ यही है, ये बचा ले जाएगा मुझे, आप एक होता नहीं कि आप मरोगे नहीं। अब दूसरी चीज ये कि सर अगर मोटिवेशन चाहिए आपको तो मेहनत ही सहेगी सर, अगर आप मेहनत कर रहे हैं आपको ये चीज जाननी चाहिए सर, हार्डवर्क बीट टैलेंट, आपकी मतलब कोई फर्स्ट आता हो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर मेहनत कर उससे ज्यादा, मेहनत मतलब 10 आवर 12 आवर, वो 4 घंटा दे रहा तू दुगना दे टाइम, तू मेहनत कर सर, अपने आप मोटिवेशन आता है सर, अपना जब आप अपना प्रोग्रेस देखते हो, मेरा टाइम वर्क खत्म हो गया, मुझे सी आ गई, मुझे डेटा बेस आ गया, तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपकी जॉब नहीं लगी हो, लेकिन यार 2 महीने बाद भी तो कोई जॉब आएगी, 3 महीने बाद भी तो आएगी, अरे कोक्यूब से एम कैट है, कहीं तो डालूंगा, कहीं तो मिलेगी, लेकिन कैसे, मेहनत की, खुद मोटिवेट हुआ, ये भी नहीं कि सर जैसे आप मोटिवेट करते थे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होती है, जब तक अंदर से आपको नहीं लगे कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, नहीं होगा सर, आपका कि सर आपने हर चीज नॉलेज दी, लेकिन बच्चा अब जाके बिना डीमोटिवेटेड होकर इंटरव्यू के सामने बैठेगा, थर थराएगा, नहीं होगा ना उसे, तो आप खुद मोटिवेशन चाहिए इंसान को, तो मेहनत और एक मेंटर बस, ना कोई यूट्यूब वीडियो ना कुछ, ये हम भी देखते हैं 2 2 घंटा निकल जाती है, मोटिवेटेड ये भी देते रह जाते हैं, बहुत मोटिवेशन होगी। नहीं ये तो यार देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, इंजीनियरिंग में मेरे भाई लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने भी ये बताया था, भाई तुम एक कोई सीनियर चूज कर लेना जो तुमको लगता हो कि बहुत अच्छा, मेंटर होना बहुत जरूरी है। मैं कभी अपने स्टूडेंट को या किसी को ये नहीं बोलता कि आप मुझे मेंटर बनाओ, आपका कॉलेज जिसको भी बनाना है एक मेंटर चूज करो 100 ने, और उस मेंटर ने वो गोल अचीव किया हो जो आपको अचीव करना है, आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके अलावा यार मैं हमेशा बोलता हूँ प्लेसमेंट इज लाइक कि आपको नदी में जाना है, आपको तैरना नहीं आता होगा तो आप डूब जाओगे, फिर आप कितना भी हाथ पैर फड़फड़ाते रहो कुछ नहीं होगा, तो आपको स्विमिंग सीखना है। तो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, प्लेसमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए, लाइक एप्टीट्यूड हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई, ये सब चीजें सबसे पहले आना चाहिए। जब आप बेसिक स्विमिंग सीखोगे तो फिर आप स्विमिंग में स्टंट भी कर पाओगे, तो जो हायर टेक्नोलॉजीज इट्स अ काइंड ऑफ स्टंट, लेकिन आपको अगर बेसिक स्विमिंग ही नहीं आती है तो फिर स्टंट्स का मतलब ही नहीं होगा, वो कभी ना कभी आप डूब जाओगे, आप समझ रहे हो। अच्छा एक चीज और अक्रमा जी, लाइक यार जब भी आप कभी बोर होते हो या कभी थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हो या तैयारी करते समय, प्रिपरेशन करते समय बहुत पढ़ लेते हो, तो अपने स्ट्रेस रिलीज करने के लिए किन हॉबीज को फॉलो करते हो, लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टडीज क्या आपको पसंद है? सर मेरा ये कि मैं खाता ज्यादा तो मोटा होने का डर रहता है, तो मैं वॉक भी निकल जाता हूँ, हेडफोन लगा के गाना लगा लेता हूँ एमिनम का, या मैं पुराने गाने ज्यादा सुनता हूँ, तो बस मैं होता नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम गाँव के आता हूँ, हेडफोन होता तो नहाता हूँ फिर पढ़ने बैठे, सबसे अच्छा तरीका होता सर, एक तो आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, आपका माइंड थोड़ा हट जाता है, सॉन्ग से ये भी होता है कि रिकॉलिंग पावर मतलब स्टडी में बोलते हैं कि इम्प्रूव हो जाती है, तो मैं ये करता हूँ। और सर जैसे एक ही कमरे में अगर आप जैसे बोर हो रहे हो स्टडी जैसे, तो उस कमरे में रहना नहीं चाहिए, तुरंत हटे उस कमरे में, तो घूम लो थोड़ा सीनारियो चेंज होता तो अच्छा लगता है, तो सर मैं वॉक पे निकल जाता था पहले, अब तो नहीं जाता, लेकिन पहले जब भी थोड़ा सा बोर हुआ हेडफोन निकाला निकल गया, तो मतलब ये ये था आप ना अभी से जैसे कुछ बिलियनर थॉट्स होते हैं ना, लाइक कि अगर आप रेस्ट भी कर रहे हो तो आपका रेस्ट भी प्रोडक्टिव होना चाहिए, तो लाइक काफी अच्छा लगा, काफी इंस्पायरिंग, और मैं खुद पर्सनली इसको फॉलो करने वाला हूँ भाई, बिकॉज मेरी भी पेट जो है वो काफी बढ़ रहा है। अक्रमा जी अब कमिंग टू वन मोर थिंग, लाइक एक बार थोड़ा सा नॉलेज गेट जर्नी के बारे में डिस्कस कर लेते, बिकॉज ये आपका पूरा इंटरव्यू हमारी टीम देखेगी ना, तो उनको ये होता है कि सर हमारे बिल्कुल बारे में कब बात होगी, हमको बताइए। तो एक बार नॉलेज गेट की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, लाइक कि कैसे पता चला नॉलेज गेट के बारे में, राइट, जो भी आपने कोर्सेज टेस्ट सीरीज एनरोल की हैं, हाउ वाज दे, जेनुइन फीडबैक आपकी तरफ से हमको चाहिए, लाइक वीडियोस आपने देखे, जो टेस्ट आपने दिए, जो मेंटोरशिप आपको मेरी तरफ से मिली, हमारी टीम की तरफ से मिली, जो पेड टेलीग्राम ग्रुप्स पर माहौल जो क्रिएट हुआ, राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कोर्स एक्चुअली आपको एग्जाम में हेल्प किया कि नहीं,
राइट, और आप उसको रिकमेंड करना चाहते हो कि नहीं, ये सारी बातें आपको समय देते हैं, बिल्कुल आप बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नॉलेज ही उस आइडिया को जिसने मतलब एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। सर मैं सेकेंड ईयर में था, कुछ सब्जेक्ट्स मुझे नॉलेज ईयर का जब सेकेंड ईयर का वो सेमेस्टर खत्म हो गया, अगला सेमेस्टर तक तब मुझे पता चला, कुछ बच्चे क्लास के देखते थे, मुझे बच्चों ने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम संचित जैन सर पढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कभी ऑनलाइन कोचिंग नहीं की थी, मतलब जिसका ऑनलाइन होता है यूट्यूब पे। मैंने पहली वीडियो देखी, बहुत समझ में आया, मैंने नोट्स बनाए, दूसरी वीडियो देखी तो सर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन गया, मेरे साथ हाईएस्ट मार्क्स उसी में। सर नेक्स्ट ईयर पास हुआ, फिर डेटाबेस आया, हम लोग ने छुट्टी से पहले ही एक महीने की छुट्टी होती है, मैंने उसी में डेटाबेस पढ़ना शुरू कर दिया। सर चीजें सर पूरा उन्होंने 80 वीडियो डाली थी, मैंने किया, मेरी बहुत स्ट्रांग हुई, वो आज तक स्ट्रांग है कि इंटरव्यू कुछ भी पूछो। अब सर बात यह आती है कि जो इंजीनियरिंग मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 या 9 सब्जेक्ट जो क्रिटिकल है मैंने नॉलेज ईयर से सीखे। सर मैं बस वही देखता था, वही पढ़ के चला जाता था कॉलेज में, मोर देन एनफ था। और सर जब कोर्स की बातें मैंने बताया कि मैं ऐसी संचित जैसा की वीडियो बहुत आती है, मुझे रेफरेंस देती भी, मैं वही देखा ही करता हूँ सारी वीडियो तो आपकी आई। मैंने जब एक वीडियो स्टार्ट की मुझे इतनी चिल्ली, मैं बैठा बैठा पूरी पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दिया 10 वीडियो। मुझे बड़ा मजा, पहली बार कोर्स मजा, मैं कोर्स पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं हूँ। मैंने कहा यार ये चीज सही मिली, फिर मैंने आपकी आपके नाम से प्लेलिस्ट ढूंढी नॉलेज ईयर में, तो 5-6 थी, फिर मैंने आपकी सेट की सीरीज खत्म की, वर्क वाली, टाइम वाली, अलग अलग की। फिर मैंने आपको जल्दी मैसेज किया कि सर प्लीज पेड कोर्स लाइए, कुछ नहीं होगा मतलब मेरा, हर बड़ी का टाइम था। और फिर सर उसके 3 महीने बाद ऐसे ही चलता था, मैं आपकी वीडियो देखता, मुझे पता नहीं था कि आपने अलग कोर्स लाया, पता नहीं क्या रीजन था। फिर नॉइन का मैसेज आया कि यश सर है वो नॉलेज गेट का ऐप पर है, उसका कोर्स है बड़ा अच्छा, और वो 1 महीने का कोर्स चल चुकी थी। मैंने कहा मुझे भी करना पड़ेगा। फिर मैंने आपका जो मास्टर क्लास आया था वो पूरा वो 999 का था, उसमें आपने हर चीज ऑलमोस्ट कवर कराई हुई थी। मैंने कहा वो स्टार्ट करता हूँ सब। मैं पहले दिन से जब 2 घंटे बैठा तो इतना अच्छा माहौल, आपने शुरुआत में मोटिवेशन दिया 15 से 20 मिनट का, हम के पास ठीक है पेन वेन लेके बैठे हम लोग। तो सर आपको ये अच्छा कि जब आप टॉपिक पढ़ाते थे आप एकदम से क्वेश्चन देते थे कि आप कम्पीट करो आपस में, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो वहाँ भी ना, पहले कॉम्पिटिशन यही दिखा लो। अब जब शुरुआत की मेरी रैंक तो बड़ी खराब थी सर, कि 3-4 बच्चे पहले ही निकल रहे। मैंने कहा यार ये तो गलत है। फिर मैं आपकी जैसे आपकी वीडियो देख ली क्लास खत्म, फिर मैं 3 या 4 बार देखता था वो वीडियो, मैं समझिए 6-7 घंटे में वही वीडियो देखा करता था। आपने कहा क्वेश्चन सेट को आपने जैसे मान ली टाइम एंड वर्क किया, तो मैं नेट पे मिल जाते टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने लगा, धीरे धीरे स्पीड आने लगी। तो बेसिकली सर मैंने आपकी एक एक समझ ली आपकी सारी वीडियो को, 6-6 घंटा देखा, बिल्कुल निचोड़ लिया पूरा, पैसा वसूल तरीके से देखा, मेरी स्ट्रांग होगी। फिर ये था कि सर जैसे आपको कॉन्सेप्ट आते ठीक है, सब्जेक्ट आते, लेकिन आपको एक्यूरेसी के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, क्योंकि आता मुझे भी आता, आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इशू, इतनी जल्दी कर पाते हो उसमें टेस्ट सीरीज में। जब आप सर आपने इन्फोसिस की दी थी, इतने अच्छे क्वेश्चंस थे, पहले तो लगे ही नहीं थे पहली वीडियो, मैंने कहा ये क्या यार इतना हार्ड आता है, क्योंकि आता था वही लेवल था, मुझे पता भी नहीं था, मुझे कौन से पता था कि टाइम लग रहा था कि कभी 50% कभी 40, और मेरी रैंक भी उठती है 25, 26, 28, 40 बच्चों में, मेरे बड़ा बड़ा लगता था। फिर मैं जो टॉपिक आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी देते थे, टॉपिक पढ़ता प्रैक्टिस करता, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड पे हुई। वही चीज है मेरी 10 टू सर जो सब कंपनीज निकली है स्पीड के, जिसको कुछ ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन कोई क्वेश्चन देखा तो होता नहीं 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए अगर बहुत है तो। मैं आपने ये बड़ी अच्छी चीज बताई थी कि ईजी क्वेश्चन को सबसे पहले करो, कभी ईगो पे ना ये क्वेश्चन आया क्यों नहीं मेरा, मैं ऐसा कभी नहीं करता, नहीं यार भाई जा मैं आगे देख लेता हूँ। फिर मैं आखिर में जितना मेरा टाइम बचा फिर मैं उस क्वेश्चन को देता था। तो सर टेस्ट सीरीज सीईओ की स्पीड थी, मुझे कॉम्पिटिशन या पेपर का एक्चुअली अंदाजा हो, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पढ़ते थे तो ऐसा लगता है ये टॉपिक अच्छी तो क्वेश्चन लग गया। अब एक साथ 5 तरह मिसलिनियस सीरीज आ गई तो आदमी बच्चा पहचान नहीं पाता ना ये किस चीज का क्वेश्चन है, वहां पे एक्चुअल आपको दिखाते हैं वर्किंग क्या है। तो सर टेस्ट सीरीज का यही फायदा होता है कि स्पीड बहुत तेज हो गई थी, और मैंने इन्फोसिस की, फिर मैंने जल्दी से टीसीएस की भी ली, मैं छोड़ूंगा नहीं फिर। और दोनों सर जब इन्फोसिस के 85% मैच हुआ, टीसीएस के 90% मैच हुआ, फिर मुझे कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। विनो भी वहीं में से घुमा फिरा के आया, कॉग्निथन भी वहीं में से आया, सब वहीं से आ गए। सर कोक्यू से भी मैंने दिया था, मेरे 800 में 653 थे, वो भी ठीक थे, मैं खुश हो गया, मैंने कहा सही है यार इसमें भी आ गया, एमकेएट भी अच्छा हुआ था मेरा, वही है यार। बहुत अच्छा सर, और मैंने आपको मेंटर बनाया था, सबसे बड़ी मैंने सबसे अच्छा डिसीजन तो यही लिया था कि आपने जब वो डायलॉग बोला ना कि एक बार तू ये कर, तू 4 साल तक अपने मन मन की करती आई, एक बार मेंटर मान, जो बोलो वो कर। तो मैंने सिर्फ आपकी वीडियो फॉलो की, इंटरव्यू की सिर्फ फॉलो, आपको फॉलो की, मैं रिज्यूमे दिखा दूं आप हंसेंगे, ये क्या है, 2 सब्जेक्ट 2 कोडिंग बस, यही अचीवमेंट तो है यार। मतलब ऑनेस्टली मतलब मेरे एक बहुत बहुत खास सीनियर है, इनकी ऑल इंडिया रैंक 45 आई थी गेट एग्जाम,
उन्होंने मुझे अपना रिज्यूम दिखाया था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक सब्जेक्ट लिखा हुआ था, 5 कंपनी से बंदा प्लेस था, 8 के इंटरव्यूज निकाले थे। तो तब मेरे को रियलिटी का मिला कि बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना होता अपन को, कम चीजें आए लेकिन अच्छे से आए वो इम्पोर्टेंट। राइट, तो सैयद जी थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, आप लगातार इतनी देर से बोल रहे हैं, एंड इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस, फॉर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई एम टेलिंग यू दिस इंटरव्यू इज गोना बी लाइफ चेंजिंग फॉर देम। तो आप सभी लोगों से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार देखो भाई, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, स्टार्ट करो यार, कुछ गलतियां करेंगे, आप भी, हमने भी की थी, आप भी करोगे, इधर उधर थोड़ा सा भटकेंगे लेकिन इन द एंड हम राइट पाथ पे आ जाएंगे, लेकिन एक्शन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप www.knowledgek.in हमारी वेबसाइट है, इस पर विजिट करें। TCS के लिए, विप्रो के लिए, हर कंपनी के लिए कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, जैसा कि अभी बोला सैयद जी ने कि 90% क्वेश्चन TCS की टेस्ट सीरीज से ही आ गए थे पूरे, इन्फोसिस में 85% इन्फोसिस की टेस्ट सीरीज से आ गए थे। टेस्ट सीरीज को चेकआउट कीजिए, कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स हैं, हर कोर्स में ट्रायल वीडियोज भी, जाकर एक बार चेक करो, सेटिस्फाइड होते हो, मजा आता है, कंटिन्यू करो, वरना आपका चॉइस है, लेकिन भाई तैयारी करते रहो, कहीं से भी करो लेकिन तैयारी करना इज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी के बीच में, ताकि और भी स्टूडेंट्स मोटिवेट हो, आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेट हो, एक माहौल बने। एक कमेंट सेक्शन में जाके ड्रॉप करो भाई सैयद जी से, एक क्या ऐसी आपने चीज सीखी इस पूरे इंटरव्यू से, ड्रॉप करो कमेंट सेक्शन में। आपको भी इंटरव्यू का पार्ट होना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और भाई मेरा एक ही मोटिव है, जब तक तू फोड़ेगा नहीं, यस सर तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो बिल्कुल आप फेथ रख सकते हैं, और बिंदास तरीके से भाई मेंटोर आप किसी एक को चूज करो और उसको फॉलो करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सैयद जी, थैंक यू सर।